Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार और ये व्लॉग है कल का यानी कि थर्सडे का. तो यहाँ पर जो मटर मैंने पॉलीथिन में मतलब स्टोर किए थे फ्रीजर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत सालों से सिर्फ मैं पॉलीथिन में ही मटर स्टोर करती हूँ और वो बिल्कुल सही रहते हैं. इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जिप लॉक बैग मंगाया है, तो मैं समझती हूँ कि पॉलीथीन से भी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे. मटर तो और भी ज़्यादा मतलब मैं स्टोर कर लूँ, मटर है और भी जो सब्ज़ियाँ नई मतलब मिलती हैं वो भी आप फ्रीजर में मतलब स्टोर कर सकते हैं, बट मेरा फ्रीजर ही इतना छोटा है कि उसमें ये देखिए अभी ये रखा है और ज़्यादा कोई सामान इसमें रख नहीं सकते हैं. तो बस ये मतलब वेट कर रही थी कि ये छोटा पैकेट ख़त्म हो मटर का, तो फिर और ज़्यादा स्टोर करूँगी. और यहाँ ये सुबह का टाइम है, दूध वाले भैया आ गए हैं और ये पॉलीथीन हमारी मम्मी ने भेजी है क्योंकि बगल में ही रहती हैं, तो वो होकर आई थी बैकुंठनाथ मंदिर, तो वहाँ से जो तुलसी की माला और प्रसाद होता है तो वो भेजा है. और ये एस्ट्रो को बहुत प्यार करते हैं, तो एस्ट्रो भी मतलब देखता है, अब इतने समय से देख रहा है एस्ट्रो भी, तो ये जैसे ही आते हैं तो एस्ट्रो जाता है इनके पास में और देखिए मतलब उससे उसका हालचाल पूछते हैं, लिटरली एस्ट्रो से पूरा बात वगैरह करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं इसको जब भी आते हैं. यहाँ ले रही हूँ अपने लिए ही नाश्ता और चाय लूँगी और रोटी ले ली थी दो और थोड़ा सा मतलब मसाले का पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी फ्रिज में, तो वो गरम करके वो ले लिया था ओवन में. तो बस ये मेरा नाश्ता तो पूरा सॉर्टेड ही था. और आज ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको अपनी फेवरेट रेसिपी जिसका नाम मैंने दिया है उसको केसरी, तो उसकी रेसिपी आपको दूंगी. और भी दो आपको सब्जियों की अलग अलग रेसिपी दूंगी, वो भी बहुत इजी वे में. तो यहाँ मैं बैठ गई थी हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए और नाश्ता करके उसके बाद बैठ के आराम से सुकून से पीती हूँ अपनी चाय. और एक तरफ टेबल के नीचे सो रहा है एस्ट्रो, ये उसकी फेवरेट जगह है. हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि ठंड है तो उसको बार बार उठा के जैसे अपने पास बेड पे ले आते हैं, बट वो मतलब जंप करके चला जाता है और सोता वो वहीं है. तो इसलिए हम लोगों ने एक बिस्तर उसके लिए बिल्कुल फिक्स कर दिया है डबल करके, ताकि उसको ठंडी ना लगे. बट वो ऐसा है कि पूरा बिस्तर सरका के और ज़मीन में, आधा ज़मीन में और आधा अपने बिस्तर पर सोता है. और उसी के ऊपर में हमारी सारी रजाइयाँ और ब्लैंकेट रहते हैं, तो उसको मतलब गिरा के फिर उस पर सो जाता है अगर ठंड लगती है तो. और ये मैंने सामान मंगाया था सामने की दुकान से, तो ये भैया लेकर आए थे, तो बस उनका थैला ही मैं पहले खाली करके दे रही हूँ. और इससे इतनी मतलब हम लोगों को सुविधा रहती है, खास करके मुझे, कि अगर इमरजेंसी में भी कोई सामान चाहिए ना बोलो तो भेज देते हैं, भले ही एक सामान हो. तो जान पहचान है इतने सालों से इसलिए. और यहाँ बनाऊंगी आलू बीन्स की भुजिया, भुजिया बोल लीजिए, सब्जी बोल लीजिए, बहुत ही इजी वे में और मतलब झटपट बनने वाली सब्जी दोनों ही. और ये जो भागलपुरी मिर्चें हैं इसकी सब्जी बनाऊंगी मैं, ये बहुत अच्छी बनती है. तो इसकी सब्जी भी बनती है, पकोड़े भी बनते हैं. आज दे रही हूँ आपको सब्जी की रेसिपी, फिर कभी भी दूंगी इसकी पकोड़ों की रेसिपी. और यहाँ हरा धनिया आ गया था, तो मैंने ज़िपलॉक बैग मैंने मंगा लिए थे, आँचल से ही मंगा लिए थे, चार पाँच मंगा लिए हैं, बस दो ही साइज़ था, एक ये छोटा और एक ज़्यादा बड़ा. तो धनिया भी इसी में रख दिया है, तो इसमें मतलब मुझे ठीक लग रहा है रखना. और कटा हुआ धनिया मेरे कंटेनर में पहले ही से रखा हुआ है, तो वो ख़त्म होगा फिर उसको काट लूँगी. तो यहाँ मैं साग सब्जी को अच्छी तरीके से वॉश करके और अब काट ले रही हूँ. मैंने इस तरीके से लंबाई में ही आलू को जैसे बहुत ज़्यादा मोटे पीस नहीं काटे हैं, जैसा आप देख सकते हैं. बीन्स मैंने लंबी लंबी काटी हैं ऐसी, मतलब थोड़ी हल्का सा जैसे सौते करके भी अगर खाओ बीन्स तो अच्छी लगती है इस टाइप की, तो ऐसे ही काट ली है मैंने. और ये जो मिर्चें हैं इसमें से मैंने बीज को नहीं निकाला है क्योंकि इसमें तीखापन रहता ही नहीं है, बट आप अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या जो तीखा नहीं खाते हैं तो आप निकाल सकते हैं इसके बीज, वैसे इसमें तीखा तो रहता ही नहीं है, तो मैंने थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं. और ये चढ़ा हुआ है केसरी के लिए दूध, यहाँ मैंने पूरा पूरा मतलब इसमें 2.5 लीटर दूध चढ़ा हुआ है और अभी उसमें से तकरीबन मैं आधा लीटर से ज़्यादा निकालूंगी दूध को, उसके बाद मैं केसरी बनाना शुरू करूँगी.
और यहाँ तेल गरम हो गया था, 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल डाला था। इसमें मैंने राई डाली है और हींग डाली है। राई ज़रा सी तड़क गई है तो बस मैंने सब्जियों को डाल दिया है। यहाँ मुझे राई और हींग डालने के बाद मुझे डालना था लहसुन, जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ था चिल्ली कटर में, बट मैं मतलब भूल गई, तो फिर मैंने साइड करके सब्जियों को, और वहाँ तो ऑयल थोड़ा सा है ही, तो वहाँ डाल दिया जस्ट हल्का सा सौते करके एंड साथ में मिला दिया है, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैं भूल गई थी बट आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ मिलाने के बाद में, और उसके बाद में बस इसको अभी फ़िलहाल मैं स्लो गैस पर ढक दूंगी, क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डाला है, और ये एस्ट्रो जा रहा है डॉक्टर के पास, आज इसका वैक्सीनेशन मतलब है और इसकी ग्रूमिंग भी होनी है आज, तो ये चला गया डॉक्टर के पास में। और उसके बाद मुझे कुछ सामान वगैरह भी जो आया था बाज़ार से, तो ये अब मैं मतलब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, तो यहाँ चढ़ के पूरा जो स्टोरेज मैं रखती हूँ राशन का, तो बस वही रख रही थी, अदरवाइज़ चिंकी घर में रहता है तो सारा सामान वही रख देता है ऊपर, तो यहाँ कुछ रख भी दिया था, और नीचे जैसे कि शाम के टाइम पे मूढ़ी वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसका पैकेट भी था, तो वो भी निकाल लिया। एंड यहाँ मैं खोज रही थी जीरा, और जीरा एक्चुअली जीरा रखा हुआ था नीचे ही डब्बों में, तो लास्ट में चलिए यहाँ पे सामान वामान सब जो भी आया था वो लगाने के बाद में फिर नीचे उतर के उसके बाद में चेक करूँगी केसरी, क्योंकि दूध में बॉयल आ गया है। और यहाँ बस सामान वगैरह रख के और नीचे उतरी, फिर यहाँ पे डाल दी है केसर, और ये केसर मैंने यूज़ की है चक्रेश की, तो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है, और चक्रेश तो बहुत बड़ी कंपनी है केसर वगैरह जो मिलती है, सुपारी वगैरह, तो अभी तो कुछ भी कलर समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देखिएगा कलर इसका। और उसके बाद फिर मैंने ये खोला है 5 मिनट के बाद में, तो आलू हल्के से गल गए थे, तो हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर नमक और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है पाव भाजी का मसाला डाला है। बस इसको चला के फिर से स्लो गैस पर हार्डली इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं रखूँगी, तो जब तक सब्जी होती है तब तक यहाँ बना रही हूँ बूंदी का रायता, और बस 3 लोगों के लिए ही बनेगा क्योंकि चिंकी को बहुत सर्दी हो रखी है। तो यहाँ पानी डाल दिया है, मतलब यहाँ मैंने हार्डली ली है 200 ग्राम दही, और पानी डाला है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है, ये नॉर्मल मैंने नमक डाला है और लाल मिर्ची पाउडर। और गाइस मैं थोड़ा शूट मेरा मिस हो गया है ये, फिर उसके बाद मैंने चीनी डाली थी 1 चम्मच और फिर काला नमक डाला है और चला दिया है। बस इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनाइएगा, बहुत से लोग इसके ऊपर छौंका लगा के भी खाते हैं बट मैं नहीं लगाती हूँ, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये बूंदी का खट्टा मीठा रायता रेडी हो गया, और उसके बाद फिर मैंने ढक्कन खोला है कढ़ाई का, तो अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस ये भुजिया आप समझ लीजिए या सब्जी, ये रोटी पराठों में बहुत टेस्टी लगती है, और सीज़न में अभी बीन्स आती भी ज़्यादा हैं, अच्छी भी आती हैं, तो ये सब्ज़ी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये बन गई थी सब्जी, यहाँ बन के रेडी हो गई है, और अब चेक कर लेंगे केसरी। तो यहाँ देखिए कलर आप देख सकते हैं केसर का, इतनी अच्छी केसर है ना, मैं एवरेस्ट का भी यूज़ करती हूँ, चक्रेश की जो केसर है वो ज़्यादातर यहाँ जल्दी मिलती नहीं है, बट हमारे बगल में जो शॉप है वहाँ मिल जाती है, तो आज मिल गई थी। तो और यहाँ पर मैं मसाला कर रही हूँ, जो मिर्चों की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी उसके लिए, तो 2 मैंने टमाटर लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी धनिया और मिर्ची का पाउडर बहुत कम लिया है क्योंकि ऑलरेडी ये मिर्ची की सब्ज़ी है, तो बस उसको मैंने पीस लिया है। और यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने सरसों के तेल में थोड़ी सी राई और थोड़ी सी सौंफ डाली है, और जो मसाला किया था बस वो डाल दिया है। कभी भी कोई मिर्ची की चीज़ आप बनाएं, रेसिपी बनाएं, तो उसमें सौंफ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा जाता है इसके साथ। तो हल्का सा भुनना है क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं है, सॉरी लहसुन तो है इसमें, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, प्याज वगैरह ऐसा कुछ खड़ा ऐसा डाला नहीं है, तो ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर केसरी के लिए मैंने थोड़े मेवे को एक बार चर्न कर लिया था मिक्सी में, और यहाँ आप ढक्कन खोल के देखा है तो मसाला यहाँ पर डन है, और डाल दी है मैंने मिर्चें और नमक, जस्ट इसको थोड़ा सा चला के, और 1 से 2 टीस्पून ज़रा सा मैं पानी डालूंगी, और उसके बाद में अभी इसको मैं स्लो गैस पर थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, हार्डली 2.5 से 3 मिनट, उसके बाद में मैं इसको फिर से चेक करूंगी। तो यहाँ ये ढकने के बाद में अब यहाँ ये जो मैंने
मेवे जो अभी मैंने चर्न किए थे बस वो डाल दिए हैं केसरी में। दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है अभी, और बस अब इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर घोल के इसमें डाला है, आप चाहें तो ना भी डालें, बट इसको डालने से थोड़ा थिकनेस जल्दी आ जाती है और दूध तो वैसे भी पक गया है तो कच्चापन इसमें है नहीं। और अभी ये आपको रिड्यूस इसलिए लग रहा है कि इसमें से मैंने आधा ऑलमोस्ट बिना चीनी का निकाल लिया है अपने मम्मी और अपने भैया के लिए। तो और बाकी इसमें डाल दी है 3 चम्मच चीनी मैंने, तो इसके लिए इतनी चीनी काफ़ी है और बाकी आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं कैसा आप खाते हैं। एट लास्ट मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला है। केसरी डन हो गई है, जाली से ढक दिया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब सर्व करके आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ मैंने ढक्कन खोला है तो ये देखिए पूरा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। और उसके बाद मैंने इसमें एक छोटी कटोरी दही की अच्छी तरीके से फेंट के इसको डाली है। और अभी भी थोड़ा सा 2 टीस्पून हार्डली मैंने पानी डाला है इसमें, और फिर स्लो गैस पर थोड़ा सा ढकेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने खोल के देखा है ढक्कन, तो अभी देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया है और ये सब्ज़ी पूरी डन है अब। तो यहाँ डाल दिया है गरम मसाला, और इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो वो आप ज़रूर डालिएगा, और चाहें तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं कसूरी मेथी के बाद में। यहाँ डाल दी थी कसूरी मेथी और बस अब ये रेडी हो गया है। और क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना तो हरा धनिया तो ज़रूर डालूँगी, तो यहाँ बस गार्निश कर दिया है हरे धनिए के साथ। और एट लास्ट जब इसको आप सर्व करें उससे पहले आप इसमें थोड़े से वाइट वाले सेसमी सीड्स डाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ी बहुत बहुत टेस्टी लगती है, सीज़न में आते हैं ये, मतलब भागलपुरी जो मिर्ची है, तो इसकी ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। केसरी बनाई ना जो बाद में कम लग रही थी तो ये निकाल ली है, मतलब ये बिना चीनी की है मेरे और मम्मी के लिए। तो ये देखिए अब ये फिलहाल ठंडी हो गई है, कितनी मोटी मलाई जमी है देखिए, तो ये बहुत अच्छी लगती है। ये निकाल दी है, यहाँ ये चीनी वाली केसरी है, ये ठंडी हो रही है। और अब एकदम लास्ट में चढ़ाया है एस्ट्रो के लिए खाना, और अभी गया है डॉक्टर के पास में, तो आएगा उसके भी 2 घंटे बाद उसका खाने का टाइम है, 6-6 घंटे के गैप में देते हैं। तो अभी फिलहाल उसका ये चढ़ा हुआ है खाना, और अब जाके जरा रूम वगैरह ठीक करूं। और यहाँ ऑलमोस्ट पूरा ही काम किचन में हो ही गया है, बस अब बाकी रह गया है रोटी बनाना, तो वो बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि चिंकी भी गया हुआ है डॉक्टर के पास एस्ट्रो को लेके, तो सभी मतलब इकट्ठे हो जाएंगे तभी रोटियां बनाऊंगी, तो सब खा भी लेंगे। और ये कपड़े मैंने पहले ही तय करके रख दिए थे, रात को ही रख दिए थे, यही एक काम मेरा बचा हुआ रह जाता है कपड़े उठाना, क्योंकि मतलब घर में इतना मतलब इधर उधर काम रहता है ना, तो इसको मैं बड़ा आराम से उठा के रखती हूँ कि चलो सारा काम हो जाएगा जब रेस्ट करने के लिए जाऊँगी बेडरूम में तब उस टाइम पर उठाऊँगी। तो ये उठा दिए थे कपड़े, और यहाँ आपको सबसे पहले सर्व करके दिखा देती हूँ केसरी। मेरी केसरी की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब आपको देख के लग रहा है ना कि ये जो शादी ब्याह होता है वहाँ पर भी मतलब स्पेशल डेजर्ट में रहता है, तो इसको मेरे बोलने से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये हमारे घर के पास में हल्दीराम है, वहाँ ये मिलती है, तो उसको भी बीट करता है मतलब ये वाला फ्लेवर, इतनी अच्छी बनी थी। और यहाँ चिंकी आ गया था एस्ट्रो को लेके, तो वो मुझे वही बता रहा है कि कुछ दवाइयाँ उसकी चेंज की है, कैसे देना है कैसे नहीं देना है वही मुझे समझा रहा है। और
मैंने है ना चिंकी जब इसको लेकर निकल रहा था वैक्सीनेशन के लिए, तो मैंने बोला था कि हर बार डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन में नया पैकेट फूड लिखते हैं एस्ट्रो का, तो कुछ भी ऐसा लेकर मत आना, अब हम इसको घर का ही खाना देंगे। क्योंकि मेरा और आंचल का सबसे ज़्यादा ट्राई रहता है कि ये पूरी तरीके से घर के खाने पर डिपेंड हो जाए, और आज एट लास्ट फिर से नया एक पैकेट फूड आ गया। चिंकी को लगता है कि डॉक्टर ने जो दिया है पैकेट फूड बस वो ही अच्छा है इसके लिए, तो फिर से आ ही गया है पैकेट फूड। और आप जो वीडियो में देखते हैं ना, हम लोग हाथ से खिलाते हैं इसको, तो ये सिर्फ इसका रॉयल कैनन जो पैकेट फूड है वो है, जबकि इसका जो मेन मील होता है वो हम लोग मिक्स करके देते हैं बाउल में, तो ये ईजिली खा लेता है बिना किसी बदमाशी के। तो फिर से आ गया इसका पैकेट फूड, अब फिर से हाथ से ही खिलाना पड़ेगा। तो चलिए, और आज मैंने आपको दी अपनी फेवरेट केसरी की रेसिपी, आलू बीन्स की भुजिया एक डिफरेंट स्टाइल में, और भागलपुरी मिर्ची को मैंने दही के साथ कॉम्बिनेशन करके बनाया। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी और वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे आपको, रेसिपीज ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।